आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार है। आलिया ने हाल ही में मेट गाला 2023 में डेब्यू किया था और इस दौरान एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर अपने पर्ल एम्बेलिश्ड गाउन में काफी सुर्खियां बटोरी थी। आलिया प्रबल गुरुंग द्वारा डिजाइन किए गए डिटेल गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं मेट गाला रेड कार्पेट पर लोगों की अटेंशन लेने से पहले आलिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था और BTS पलों को दिखाया था। कुछ ही समय में उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दिलचस्प बात ये है कि पोस्ट पर दीपिका पादुकोण ने कमेंट भी किया, जिस पर अब सबका ध्यान आ गया है। आपको बता दें, आलिया के मेट गाला में डेब्यू करने से कुछ घंटे पहले दीपिका ने ऑस्कर से पुरानी तस्वीर शेयर की थी। आलिया की लाइमलाइट चुराने की कोशिश करने पर दीपिका को नेटिजंस द्वारा काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। वहीं ऑनलाइन ट्रोलिंग और आलोचनाओं के बीच दीपिका पादुकोण अब आलिया भट्ट की BTS वीडियो पर प्यार बरसाती नजर आई। उन्होंने आलिया की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखा, तुमने ये कर दिया। उसके बाद एक रेड हर्ट वाला इमोजी भी बनाया। वहीं आलिया द्वारा शेयर की गई वीडियो में वो अपनी बेटी राहा से काफी समय तक दूर रहने की बात करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा, तो ये सबसे लंबा समय है जब मैं अपनी बेटी राहा से दूर रही हूँ और वो लगभग 6 महीने की है और मैं इससे पहले केवल 24 घंटे के लिए उससे दूर रही हूँ, जैसे एक दिन के लिए, और अब ये लगभग 4 दिन होने जा रहे हैं। जैसी ही मैं उठती हूँ मुझे इससे वीडियो कॉल करने के लिए कुछ सेकंड्स मिलते हैं। वैसे वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। ये फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज होने को तैयार है और वो कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के साथ जी ले जरा में भी दिखाई देंगी। आलिया भट्ट इस साल हार्ट ऑफ स्टोन के साथ हॉलीवुड में भी शुरुआत करेंगी। वहीं दीपिका पादुकोण जल्द ही फाइटर में नजर आने वाली है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट दिखाई देंगी। अब सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का ये पोस्ट वायरल हो गया और खास तौर पर दीपिका पादुकोण का उस पर कमेंट। वेल, इस बारे में अब आपकी क्या राय है आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।